नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइन इलाहाबाद। आप सब लोग अनुसंधान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। और इसी दृष्टिकोण से मैं विगत कुछ वर्षों के किए हुए आए यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके तहत हायर एजुकेशन की यूनिट की कुछ डिस्कशन की वीडियोस मैंने अपलोड किया। वर्तमान में कम्युनिकेशन की यूनिट के तहत लगभग 50 क्वेश्चन मैंने इससे पहले 15 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए उसे अपलोड कर चुका हूं, और अब मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस के आगे कुछ क्वेश्चंस को अपलोड करने जा रहा हूँ, वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। तो हमारे साथ स्क्रीन शेयर पे चलते हैं और आप स्क्रीन पे देखते चलिए। मैं क्वेश्चंस को व्यूज करता चलूंगा, स्टडी करता चलूंगा, रीड करता चलूंगा और आपके साथ साथ उन्हें डिस्कस करता चलूंगा। सो शेयरिंग द स्क्रीन, आपके स्क्रीन के सामने ये है क्वेश्चंस की सूची। दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। क्वेश्चन यहाँ सिचुएशनल पूछा गया है, और ये ध्यान रखिए कि आजकल सिचुएशनल प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। स्थिति मूलक प्रश्न, यानी कि उस स्थिति में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति में कैसे सामना करना चाहिए, क्या बिहेव करना चाहिए, टीचर को कैसा रूप अपनाना चाहिए, टीचर को क्या रवैया अदा करना चाहिए, टीचर को किस प्रकार से पोस्चर रखना चाहिए, उसी सब दृष्टिकोण से यहाँ एक क्वेश्चन रखा जा रहा है कि क्लासरूम में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है। संप्रेषक यानी कि वक्ता, वक्ता कौन होता है क्लासरूम में, वक्ता टीचर होता है। तो टीचर का जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कैसे बनता है। कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कम्युनिकेटर इन द क्लासरूम डिटरमाइंड बाय, चार ऑप्शन दिया गया है, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नजर मिलाने से, आई कॉन्टेक्ट करने से। दूसरा ऑप्शन है अतिशयोक्ति के प्रयोग से, द यूज ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब अत्यधिक ऊंची बातें या ऐसी बातें जो होती नहीं दिखती, ऐसी सब बातों को बोलना, जैसी बातें ओवर कॉन्फिडेंट तत्वों को एक्सप्लेन करना, ऐसी बातें जो कि रीजनेबल नहीं है, अतार्किक लगे परंतु उसको सही बताना, इसे ही अतिशयोक्ति कहते हैं। यहाँ पे यह बात समझ में आ ही रहा है कि अतिशयोक्ति का प्रयोग करना एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाई देता है। सी है आवाज स्तर में परिवर्तन, तो चेंज ऑफ वॉइस लेवल। तो आवाज के स्तर में लगातार बदलाव लाना, जैसे कई बार हम भारी आवाज को, फिर हल्की आवाज को, आवाज में शिल्पन लाना, आवाज में पीकनेस लाना, ये भी कोई बहुत रोचक तथ्य नहीं कह सकते। डी है अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से, द यूज ऑफ एस्पेक्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। अमूर्त अवधारणाएं, यानी अमूर्त का मतलब होता है जो ना दिखाई दे, अवधारणाएं कॉन्सेप्ट, तो ऐसे तत्व जो ना दिखाई दे उन्हें की प्रयोग से, तो ऐसे भावनाएं, ऐसे इमोशंस को दिखाना, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो इमोशन को डिस्ट्रीब्यूट करना या डिस्प्ले करना। तो अब यहाँ पर आपके सामने चारों विकल्प है, और चारों विकल्प में देखें तो अतिशयोक्ति नेगेटिव जाता है। आवाज के स्तर में कहा जाए तो ये भी कमजोर एस्पेक्ट है, ए और डी थोड़ा सा मजबूत एस्पेक्ट दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक कम्युनिकेटर जब कम्युनिकेट कर रहा होता है तो उसे कैसे लगता है कि वो जो कम्युनिकेट कर रहा है परफेक्ट कर रहा है। जैसे इस चीज को फील तब किया जा सकता है, जनरली जब आप एक टीचर स्वयं हो, एक कम्युनिकेटर स्वयं बन जाओ, तो इस बात को एहसास कर सकते हो कि एक कम्युनिकेटर जब कम्युनिकेट कर रहा होता है तो वो कैसा फील कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, हाँ, एक कम्युनिकेटर जब कम्युनिकेट करता है तो वो उसकी फीलिंग जो है वो एक ऐसी फीलिंग के साथ वर्क कर रहा होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को बेहतर रूप से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को अगर समझ रहा है तो वो नॉडिंग कर सकता है, यानी कि गर्दन को हिला सकता है। तो नॉडिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और नॉडिंग और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो आपको देख रहा है तो आंखों से कॉन्टेक्ट कर रहा है, यानी